हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाने वाला हूं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, मेरा क्या ट्रेडिंग सेटअप है, मैं किन किन डिवाइस का यूज करता हूं ट्रेडिंग करने के लिए, सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जब से मेरा ऑफिस बन रहा है, जब से मेरा घर बन रहा है, तब से मैं वीडियो बहुत कम अपलोड कर पा रहा हूं, क्योंकि भाई ऊपर का जो 2500 स्क्वायर फीट का छत है वो उसका ढलाई हो रहा है। 2500 स्क्वायर फीट मेरा ये जो घर है वो मैंने पूरा का पूरा तोड़वा कर फिर से न्यू डिजाइन में बनवाया, तो इसके लिए बहुत समय लग रहा है और खटपीट का आवाज़ आता रहता है। शायद वीडियो में भी आ रहा होगा आप लोग को सुनने को, ठीक है, तो इसलिए डेली वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो मैंने क्या हुआ कि एक छोटा सा मेरा जो रूम है उस रूम के अंदर मैंने अपने छोटे से ट्रेडिंग सेटअप को लगाया हूँ। बाकी सारा चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो घर का प्लास्टर भी हो रहा है, जो नीचे वाला पूरा घर बन गया उसका प्लास्टर हो रहा है। तो मैंने कहा मिस्त्री से कि भाई मेरे लिए एक रूम अभी छोड़ दो, ठीक है, मैं इसमें अपना ट्रेडिंग सेटअप लगा देता हूँ छोटा सा और मैं इसमें अपना ट्रेडिंग करूँगा। बाकी क्या है कैसे सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, आप लोग कितना ज़्यादा डिमांड आ रहे थे कि पंकज भाई अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाओ, ट्रेडिंग सेटअप दिखाओ, क्या आपने नया ट्रेडिंग सेटअप बनाया हुआ है, तो आपको अपने आंखों से देखने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो आइए भाई, मैं आप लोग को एक एक चीज़ अपना दिखाता हूँ कि मैं किन किन डिवाइस का यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए और इन सभी डिवाइस का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप आएंगे हमारे पीसी की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपने पीसी में यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हूँ, एक यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। बैंक निफ्टी में भी हम जब ट्रेड कभी कभी लेते हैं, लेकिन देखना चार्ट इसका भी ज़रूरी होता है। और एक में हमने फिन निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और एक में मिड कैप का चार्ट ओपन करके रखा है, तो ये चारों चार्ट को देखना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं केवल निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो निफ्टी का ही चार्ट देखेंगे। देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप, ये चारों का जरूरी होता है। इसके अलावा जैसे निफ्टी की जो इम्पोर्टेड ज़्यादा वेटेज वाली कंपनी होती है, जैसे HDFC हो गई, रिलायंस हो गई, ICICI होगी, तो इसका भी चार्ट हमें देखना पड़ता है ट्रेडिंग करते समय। इधर आइए, मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं HDFC बैंक का चार्ट ओपन करके रखा हूँ, एक मैं रिलायंस का चार्ट ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, मेरे पास तो ये एक PC हो गया पहले, ठीक है, एक मॉनिटर हो गया। मॉनिटर ये भाई देखो, इसमें मॉनिटर में हम चार पाँच चार्ट जैसे हमें ज़रूरत होता है वैसे हम ओपन कर लेते हैं। और लैपटॉप में हम जो वेटेज वाली, सबसे ज़्यादा वेटेज वाली कंपनी रहती है उसको यहाँ पर लगा कर रखते हैं, उसका कंपोनेंट देखते हैं। इसके बाद प्लस में हमारे पास चार मोबाइल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिससे एक वीडियो भी शूट हो रहा है, और तीन मोबाइल हमारे पास यहाँ पर है। तो हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं इसलिए हम निफ्टी का हमेशा ऑप्शन चैन ओपन करके रखते हैं, साथ में हम ये देखने के लिए इसको ओपन किए रहते हैं कि कितना प्राइस निफ्टी में अभी बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। और एक मोबाइल में हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, मैं ऐसे ट्रेडिंग करते समय हरदम ओपन करके रखता भी हूँ। तो इसमें मैं देखता हूं कि बैंक निफ्टी का आखिरकार प्राइस कितना अप डाउन कर रहा है। बाकी ये वाला जो हमारा मोबाइल है इससे भाई मैं जो वीडियो बनाकर आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूं, ठीक है, तो वो इस मोबाइल से करके दिखाता हूं और मेरा फेवरेट मोबाइल है क्योंकि 3.5 साल से लगभग मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ट्रेड रेट जो भी लेता हूँ इसी मोबाइल से लेता हूँ। बाकी इन दो मोबाइल में हम ऑप्शन चैन देखते हैं, एक में निफ्टी का, एक में बैंक निफ्टी का, ठीक है। बाकी यहाँ पर पेन वगैरह रखा हूँ और यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा कॉपी का पेज है, ठीक है, तो कुछ भी हमें लिखना रहता है, गुड़ा भाग करना रहता है, तो हम इससे मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं इस पर, ठीक है। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक टेम्पल है, ठीक है, ये भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है। और मैं जब भी ट्रेड करने के लिए बैठता हूँ तो भगवान से पहले मन्नत मांगता हूँ, दुआएं मांगता हूँ कि भगवान आज लॉस ना हो, ठीक है, कुछ भी हो दिन अच्छा निकल जाना चाहिए। तो और शंकर भगवान हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई मदद भी करते हैं क्योंकि हम उनके शिष्य हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जब भी ट्रेडिंग किया करो तो एक मंदिर रख लिया करो भाई, भगवान श्री राम का या फिर भगवान कृष्णा का, किसी भी भगवान का एक टेंपल रख लिया करो, ऐसे आपको पेशेंस मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आइए मैं आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पर है भाई इंडिया टॉप क्रिएटर का अवार्ड, ठीक है, जो मुझे दिल्ली में मिला था। और आप यकीन नहीं करोगे कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, पूरे इंडिया में इतने ज्यादा यूट्यूबर हैं, पूरे भारत से यूट्यूबर आए थे, लेकिन हमको इंडिया टॉप क्रिएटर के अवार्ड में सेकेंड पोजिशन हासिल हुआ था। और ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है, और इसको अचीव करने में आप लोग भी मेरा बहुत ज्यादा मदद किए थे, ठीक है। अब दोस्तों मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं ना कि पंकज भाई आखिर आप कार ट्रेडिंग जब कर रहे हो तो ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज यूज करना पड़ता है। सबसे पहले देखो, आपके पास अगर एक लैपटॉप है तब तो बहुत बढ़िया है, लैपटॉप में आप 2-3 चार्ट ओपन करके देख सकते हो, अच्छे से दिख जाएगा। अगर आपके पास में एक पीसी होगा तो और बढ़िया होगा, ठीक है, क्योंकि पीसी में हम ज्यादा से ज्यादा चार्ट को ओपन कर सकते हैं। एक चीज देखो, यहाँ पर मैं RSI को लगाए रहता हूँ हमेशा ट्रेडिंग करते समय, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ भी जैसे सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना रहता है ना, तो मैं यहाँ पर अपने माउस से जाता हूँ जैसे, ठीक है, यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाता है, ठीक है, जिसमें भी मुझे ड्रॉ करना रहता है, जैसे यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ ड्रॉ हो जाता है। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पर हम इसको भाई हाइड ही कर देते हैं, तो हाइड कर दिए हैं। काफी देखो, जितने ज्यादा आपके पास में स्क्रीन रहेगी उतने ज्यादा ट्रेडिंग करने में आपको मजा आएगा। बहुत सारे भाई लोग ये भी पूछते हैं कि पंकज भाई आखिर ये जो डिवाइस यूज कर रहे हो इसको बनवाने में कितना पैसा लगा था आपका। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं शुरू में 3 साल पहले जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो हमारे पास केवल यही मोबाइल था एक, ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक मोबाइल था, तो एक मोबाइल से ट्रेडिंग करते थे तो धीरे धीरे लॉस होता था। फिर मैंने सोचा कि भाई अगर मेरे पास एकाध मोबाइल और होगा तो उसमें हम चार्ट देखेंगे, एक से ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो ऐसे हमारा लॉस होने से बच जाएगा। तो हम एक मोबाइल और लिए थे, बहुत मजबूरी से लिए थे, आप हमारे ट्रेडिंग जर्नी वाले वीडियो में इसको देख भी सकते हैं कि हमने कैसे वेटर की नौकरी छोड़कर ट्रेडिंग से भाई सब कुछ हासिल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सारा कुछ देख लिया, और यहाँ पर जो कीबोर्ड वगैरह है यहाँ पर नीचे है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये एक टेबल है जो कि मैंने टेम्परेरी में, ये सारी चीजें भी टेम्परेरी में रखा हूँ, सेम ऐसा ही सेटअप मेरा इस वाले रूम के बाजू में है, ठीक है, उसमें मेरे भैया जी ट्रेड करते हैं, तो हम लोग जितने भी घर गए सारे लोग ट्रेडर हैं, 3 भाई हैं, तीनों लोग ट्रेडर हैं, हमारी भाभी भी ट्रेडिंग करती है, तो 4 लोग हम लोग घर में ट्रेड करते हैं, ठीक है। बाकी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग सोचते होंगे कि यार केवल पंकज भाई भी ट्रेड करते होंगे, तो ऐसा नहीं है, हमारे 3 भाई हैं, हम लोग तीनों भाई ट्रेड करते हैं, भाभी है वो भी ट्रेड करती है। एक चीज मैं आपको बड़े कमाल की चीज दिखाता हूँ कि ये रूम का हुलिया कैसा है, अभी दिखा देते हैं, नहीं लोग सोचेंगे ये बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बनाए भाई। तो देखो ये जो है ना, ये वॉल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वॉल के ऊपर मैं कपड़ा चिपकाया हूँ, ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो वॉल है यहाँ पर, इधर आप देखिए, ठीक है, इधर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये कपड़ा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कपड़ा है, और ये दीवार है, और इधर देख सकते हो ये दरवाजा है। तो टेम्परेरी में ट्रेडिंग करने के लिए मैंने बनाया हुआ है, इसीलिए वीडियो भी नहीं डाल रहा था क्योंकि घर अभी नहीं बना था। तो लोग बोल रहे थे कि पंकज भाई लॉस हो गया है क्या डालो, तो यार इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा सेटअप बनाना पड़ा आप लोग को वीडियो बनाकर देने के लिए, और खुद मैं ट्रेड भी कर पाऊंगा। एक चीज इधर आपको दिखा देता हूँ, तो इधर एक सिलाई मशीन रखा हुआ है जो कि बहुत पुराना है, घर का है, ठीक है, तो यहीं पर पड़ा है क्योंकि अभी रूम खाली नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर हम रख दिए थे। और इधर खिड़की वगैरह है, बाकी इधर देख सकते हो रूम में कुछ भी नहीं है अभी, यहाँ पर ये पाइप वाइप है जो वायरिंग में थोड़ा बहुत बच गया था तो यहाँ पर रखे हैं हम। और इधर देख सकते हो बाकी पूरा घर हम लोग तोड़वा कर बनवाए हैं, इधर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मार्केट जो है भाई, मार्केट अभी ओपन हो गया है लगभग, ठीक है, तो यहाँ पर 9:16 हो गया और अब हम ट्रेड करने के लिए बैठेंगे। बाकी आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोग कहोगे कि पंकज भाई आप अपना पूरा घर दिखाइए कैसे बनवा रहे हो, कैसा आपका ऑफिस बन रहा है वो चीज़ दिखाइए, तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।